बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज बाजी के किचन में ग्रीन 14 अगस्त के हवाले से डेजर्ट बनाने लगी हूँ मैं, और उसके लिए मेरे पास ये 1/3 कप क्वार्टर कप मैदा और क्वार्टर कप कॉर्नफ्लोर को मैंने मिक्स कर छान लिया है। और ये मेरे पास 4 एग्स हैं, इनकी मैंने एग वाइट अलग करनी है और योक को अलग करना है। और ये मेरे पास जो है शुगर है 1/2 कप आइसिंग शुगर, और ये मेरे पास जो है 3 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबलस्पून मिल्क, और ये 2 टेबलस्पून अलहदा से शुगर है जो मैंने एग योक के अंदर मिक्स करनी है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट है, और ये है ग्रीन कलर लिक्विड फॉर्म में, ग्रीन फूड कलर है। और ये जी ऑल पर क्रीम जो हम इसके अंदर स्प्रेड कर व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे और उसको स्प्रेड कर इसके अंदर लगाएंगे। तो चले आए फिर हम अपनी एग वाइट और एग योक को अलग कर लेते हैं। ये देखिए जी, मैंने 2 प्याले ले लिया। इसके अंदर मैं एग वाइट और एग योक को अलग कर लूँगी। जब भी आपने ऐसे अलग करनी हो तो आप जो है अपने जो एग्स हैं उनको अच्छे से वॉश कर लें। ताकि ऐसे जब आप अलग कर रहे हों तो एग वाइट उसके साथ लगे और आपको जर्म्स वगैरह ना आए उसके अंदर। हम जी ऐसे इसको अलग कर लेंगे। ये जी हमारी योक है अलग हो गई। ये देखिए जी, मैंने एग योक और एग वाइट सफेदियाँ और जर्दियाँ अलग कर ली हैं। और अब हम क्या करते हैं, जो अपनी एग वाइट्स है उनको बीट कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी शुगर को 3 पार्ट्स में डालते हुए। तो जी मेरे पास ये बड़ा बाउल है, अब इसके अंदर मैं एग वाइट जो है शामिल कर दूँगी। जी अब हम अपनी एग वाइट को जो है बीट कर लेते हैं। साथ साथ थोड़ी थोड़ी शुगर भी ऐड करते जाएंगे। 3 पोर्शंस में सेकंड बैच, देन बिस्किट, अब हम इसको मैंने लास्ट बैच ऐड कर दिए शुगर का। अब हम इसको तब तक बीट करेंगे जब तक इसकी फोमी लुक ना आ जाए और ये सॉफ्ट सा ना नज़र आने लगे। ये देखें, ये सॉफ्ट हो रहा है। अभी जब तक ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितना सॉफ्ट और फ्लफी सा मटेरियल जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, और अब इसके जो है हम इसको साइड पे कर देते हैं। और अब हम अपनी एग योक्स को कर लेते हैं। आपने देखे इस तरह आपके बैटर होना चाहिए। अब हम इसको विस्क से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मीटर नहीं चलाना। 2 टेबलस्पून शुगर रखी थी वो शामिल करके अच्छे से इसको बीट कर लेंगे, कोई लम्स और गुठली ना रहे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देंगे। और साथ ही ऑयल और मिल्क शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
के अंदर ही हम अपना मैदा और कॉर्नफ्लोर वाला जो है ड्राई मटेरियल वो शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा कर। 3 बैचेस में आपने शामिल करना है ताकि इसके अंदर अच्छे से मिल जाए, कोई लम्स और गुठली ना बने। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर एग वाइट जो हमने बीट किया था वो शामिल करेंगे। देखें इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन कर डालते जाएंगे और इसको अच्छे से बैटर में मिक्स करते जाएंगे। और अब फिर तीसरा वाला पोर्शन भी नहीं करना और अब बाकी का जो पोर्शन है एग वाइट का वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें फिर इसके अंदर ग्रीन फूड कलर शामिल करें। अब हम इसके अंदर आराम आराम से कर अपने कलर के मुताबिक ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम जो है इसको अपने मोल्ड में डालेंगे। इसके अंदर इक्वली स्प्रेड कर देंगे। बबल्स निकाल लेते हैं इसके। ओवन प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं अपना केक रख दूंगी। ये देखिए जी मेरा जो केक है वो रेडी हो चुका है। ओवन से बाहर निकालिए। अब इसका हम जो है ये पेपर रिमूव कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये हो चुका। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।